क्वेश्चन नंबर 56। इंदौर से उज्जैन जाते समय एक कैब की औसत गति 60 किलोमीटर पर आवर दी है और उज्जैन से इंदौर की समान दूरी पर लौटने के दौरान 100 किलोमीटर प्रति घंटे औसत गति हो जाती है। यदि पूरी यात्रा के लिए औसत गति 48 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो यक्स का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसके लिए एक फार्मूला होता है, औसत गति बराबर एवरेज स्पीड बराबर होता है 2x/y/x+y, जहाँ एक्स और वाई क्या है, एक्स जो है S1 है, S1 का मतलब पहली चाल, क्या है पहली चाल, और वाई का मतलब क्या है S2 यानी सेकंड स्पीड, फर्स्ट स्पीड और सेकंड स्पीड यानी दूसरी चाल। ठीक है, अब क्वेश्चन को सॉल्व कर दीजिए। औसत गति मतलब टोटल जो एवरेज स्पीड दी होगी, कुल औसत गति कहलाती है ये दो, जब S1 और S2 दिए तब के लिए, तो फार्मूले में रखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे S1 जो दिया है आपको कितना है 60 किलोमीटर प्रति घंटे। ठीक है, और इंदौर से देखिए एक कैब औसत गति से जाती है, ठीक है, और उज्जैन से देखिए इंदौर से उज्जैन गई, अब उज्जैन से इंदौर की जब उधर से आ रही है तो कितने घंटे लग रहे हैं 1 किलोमीटर प्रति घंटे, इधर से जाना और उधर से आना, तो गई तो 60 किलोमीटर प्रति घंटे लगा और आने में 1 किलोमीटर प्रति घंटे। ठीक है, ये याद रखना, पहले नोट आउट कर लेना। और इन दोनों का टोटल एवरेज स्पीड क्या है, टोटल एवरेज स्पीड यानी कुल औसत गति क्या है 48 किलोमीटर, ये कुल दे दिया 48। जब क्वेश्चन में ऐसी कंडीशन हो तब के लिए जो मैं अभी बता रहा हूँ वही करना क्वेश्चन में। पहले तो मेंशन था वो कर लिए, इधर से गई उधर से आई, S2 जो दिया है आपको 1 किलोमीटर प्रति घंटे दिया है, टोटल एवरेज स्पीड क्या है 48 किलोमीटर पर आवर। तो चलिए फार्मूला लगाते हैं, तो टोटल एवरेज स्पीड कुल औसत गति बराबर 2 S1 × S2/S1+S2। तो यहाँ हुआ 48 बराबर 2 × S1 × S2 यानी 60 × x बराबर S1 × S1+S2, तो 60+x कर देंगे। अच्छा ठीक है, इतना करने के बाद अगर कोई डिजिट कट रही है तो काट भी दे सकते हैं। चलिए ठीक है, इनका इंटू कर देते हैं पहले, तो जब इंटू करेंगे तो कितना होगा 48 बराबर 120x/60+x। ठीक है, अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, तिरियक गुणा यहाँ पे एक लिख 48 का 48 60+x बराबर हो जाएगा 120x, इसके इंटू करिए तो 0 6 6 6 48 6 6 48 8 आया 4 6 6 24 6 4 24 24 4 28 प्लस, दोनों में इंटू करना है और 48x बराबर 120x। हमें वेरिएबल को वेरिएबल के पास यानी एक्स को एक्स के पास ले चलना है, 2880 2880 = 120x - 48x। अब 2880 = दोनों को घटाइए 2 5 7x। उससे पहले मैंने आपको इस क्वेश्चन को ऑप्शन नहीं दिया था, तो वो ऑप्शन में लिख दूं पहले A B C अगेन D। तो ए ऑप्शन जो है 45 किलोमीटर पर आवर, दूसरा ऑप्शन है 40 किलोमीटर पर आवर, तीसरा ऑप्शन है 36 किलोमीटर पर आवर, और लास्ट ऑप्शन दिया था 30 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं। अब एक्स की वैल्यू निकालेंगे, 2880 में 72 डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो डिवाइड करिए, 2 से डिवाइड हो रहा है ना, 2 1 2 4 2 4 0 36 = x, जितना कटे काटते जाना है, 4 से भी कट जाएगा, 4 3 12 2 बचा 4 6 24 20 4 9 36, 9 से कट रहा 40 = x, x = कितना हुआ 40 किलोमीटर पर आवर। दिस इज द वैल्यू ऑफ दिस क्वेश्चन एंड दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। तो 40 किलोमीटर प्रति घंटे जो x का मान होगा वो क्या होगा 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से आया आंसर इसका। तो इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन मैं देता हूँ आपको, तो चलिए इसी क्वेश्चन से रिलेटेड एक क्वेश्चन मैं देता हूँ आपको। इंदौर से उज्जैन जाते समय एक कैब की औसत गति 60 किलोमीटर प्रति घंटा और उज्जैन से इंदौर की समान दूरी पर लौटते समय
लौटने के दौरान एक्स किलोमीटर प्रति घंटा, जाते समय 60 का है वही मैंने रखा और लौटते समय एक्स रखा, सेम कर दिया। आगे क्या है, यदि पूरी यात्रा के लिए औसत टोटल एवरेज स्पीड मैंने 120 कर दिया तो बताइए एक्स का मान क्या होगा। आपके लिए मैं यहाँ पे ऑप्शन भी दे रहा हूँ, ठीक है। ऑप्शन के तौर पे आपके आपके पास रहेगा 100, 110, 120, 130 किलोमीटर पर आवर एंड आल्सो किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो अब इस क्वेश्चन का सोल्यूशन जरूर फाइंड करिएगा। ओके, बाय देन, थैंक्स फॉर वॉचिंग।